अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जिधर भी होंगे अपने मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो भाई, आज जो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, ये कोई क्रिएट ओपनिंग या कोई गेम प्ले प्रॉपर नहीं है, सिर्फ कुछ क्लचेस हैं क्योंकि कुछ वॉइस ओवर करना था, तो वो कुछ क्लचेस होते तो अच्छा लगना था, बैकग्राउंड पर कोई वीडियो चल रही होती, तो इसलिए कुछ दो क्लचेस पड़े थे जो मैंने अपलोड कर दिए साथ। अच्छा, पब्लिक, एक लाहौर में हादसा हुआ है, काफ़ी अफसोसनाक हादसा है कि लाहौर में एक बच्चे ने अपनी फैमिली में कत्ल कर दिए हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितने उसने किए, मगर ये पता है उसने 3-4 कत्ल किए हैं आई थिंक फैमिली में। तो काफ़ी अफसोसनाक खबर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसका ब्लेम जो है वो दिया जा रहा है जी कि लड़का पबजी खेलता था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। देखो भाई, एक खबर ये भी सुनने में आ रही है कि वो बंदा नशा करता था, ठीक है, नशे ने उसके माइंड को ख़राब किया है, ठीक है, नशे ने उसके माइंड को ख़राब किया है, वो इस स्टेज तक पहुंच गया कि अल्लाह के उसने जाके कत्ल कर दिए, ठीक है, ना कि पबजी। पबजी एक नॉर्मल गेम है, जिस तरह कि मैं एक प्लेयर हूँ, पिछले 3.5 साल से खेल रहा हूँ, सीजन 4 का प्लेयर हूँ पबजी में, और ऑलमोस्ट 5000 मैचेस खेल चुका हूँ पबजी के। ऐसा कभी भी कोई माइंड में चीज़ नहीं आई कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई हरकत कर दें गलत जाके, कभी भी माइंड में नहीं आया, ठीक है। मेरी तरह के और कितने यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स लगा लें आप, लाइक अनोनिमस है जो पबजी के हैं, अनोनिमस भाई हैं, FM रेडियो है, 47 खलीफा भाई हैं, ठीक है, कभी इस तरह का कोई सीन नहीं है। नॉर्मल वो गेम प्लेज, आप उनकी गेम प्लेज भी देखते हैं, नॉर्मल गेम प्लेज हैं, बनाते हैं, अपलोड करते हैं, ऐसी मजाक होता है, वॉइस ओवर होता है और अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो पबजी का इससे मुझे नहीं लगता कोई लिंक है, ठीक है, बल्कि मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, आप लोग जाके वो लिंक शेयर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो क्लिप यानी कि अपनी वीडियो में नहीं लगा सकता, आपको पता है कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, आपको कॉपी राइट स्ट्राइक आ सकते हैं, इस वजह से मैं इनसे दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें डॉक्टर यही बता रहे हैं कि यानी कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई असर नहीं होता है एज इट इज़ किसी भी माइंड पे, यानी कि लोगों के माइंड, बच्चों के माइंड पे या लोगों के माइंड पे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में पबजी जब लास्ट टाइम बैन होकर अनबैन हुई थी तो वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई थी, ऑफिशियल हो गई थी, और वो स्पॉन्सर भी कर रही काफ़ी इवेंट्स पबजी, ठीक है। तो पबजी यानी कि पाकिस्तान में लीगल है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, और बल्कि चाइना में तो मैंने वीडियो देखी है गालबन के ई स्पोर्ट्स के लेक्चर दिए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स लाइक पबजी गेम है उसको बैन करने का सोच रहे हैं। बैन अगर अल्लाह ना करे होगी तो यार आप ये भी देखें जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है पहली बेरोजगारी कितनी है, ठीक है, पाकिस्तान में पहली बेरोजगारी कितनी है, कारोबार वैसे ख़त्म होए पड़े हैं, अब एक ये जरिया है यूट्यूब के थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं या पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं, और उसके ऊपर कंटेंट कौन सा डाल रहे हैं, पबजी का डाल रहे हैं, और अगर पबजी बैन हो गई तो यार मुझ जैसे जो नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मिंत्रला कर करके एक एक सब्सक्राइबर इकट्ठा किया है, यार मुझे पता है मैं लोगों से कितना सब्सक्राइबर लेता हूं, ठीक है, अगर ये पबजी बैन हो गई और हमारा मेन कॉन्टेंट ही पबजी होता है तो हम यूट्यूब पर क्या कॉन्टेंट डालेंगे, कोई भी कॉन्टेंट नहीं होगा। अभी तो यकीन मेरी अर्निंग भी पब्लिक स्टार्ट नहीं हुई यार, और उससे पहले अगर ये मसला हो जाएगा तो किधर जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है कि पबजी को बैन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है, पबजी में कोई इस तरह का सीन नहीं है यार, सिंपल हम गेम खेलते हैं, दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब रात को हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं, चिकन डिनर करते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आप गेम प्ले यूट्यूबर्स को उठा के देख लें, उसमें आपको इस तरह का कुछ लगता है कि पबजी इस तरह की चीज़ें सिखा रही है? हम ऑनलाइन गेम है, बाहर की दुनिया खेल रही होती है, हम खेल रहे होते हैं, अननोन पर्सन्स खेल रहे होते हैं दूसरे के साथ, सिंपल गेम प्ले चल रहा होता है। तो बाकी यही है, उम्मीद तो यही करते हैं कि पबजी बैन नहीं होगी पाकिस्तान में, ठीक है, और अगर हो जाती है तो अल्लाह खैर करे, उम्मीद होगी कि ज़्यादा लंबा चौड़ा ये काम नहीं चलेगा बैन का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पाकिस्तान में यूट्यूब ऑफिशियल है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, टैक्सेस पे कर रही है पबजी, और काफ़ी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रही है पबजी, और स्पॉन्सर भी कर रही है पबजी बहुत से इवेंट्स को। तो पबजी में इस तरह का कोई सीन नहीं है, एज अ प्लेयर मैं ये बात कर रहा हूँ कि पबजी एक बहुत अच्छी, और मेरे ख्याल से पबजी बल्कि लोगों का IQ लेवल भी इंक्रीज़ करती है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं। वो किस सेंस में करती है, शॉर्टली बता देता हूँ
कि आपको यानी कि जब आप फंसे हुए होते हैं, आपके ऊपर रश हो जाए, या आपके हालात यानी कि आपको मैनेज करना सिखाती है, आपका IQ लेवल बढ़ाती है कि आपने इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या करना चाहिए आपको, ये आपका IQ लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है ना। कि आप गलत गलत जगह पे जाते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, आपका IQ लेवल इंक्रीज होता है, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, स्क्वाड को कैसे लेके चलना है, ये चीज़ें आप सीखते हैं। तो देखा जाए तो पबजी में इस तरह का कुछ भी नहीं है, पबजी पाकिस्तान में बैन नहीं होनी चाहिए। एज अ प्लेयर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पबजी को बैन ना करें, ठीक है। प्लीज़ पब्लिक, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अभी 1,200 सब्सक्राइबर हुए हैं, कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, 10,000 सब्सक्राइबर तक ले जाओ, आगे इंशाल्लाह होता रहेगा साथ साथ। तो मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा कोई यानी कि होता नहीं है दिली इरादा कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। तो अगर कभी हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा दें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।